हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कटोरी ब्लाउज काटना एंड सिलना सिखाऊंगी। ये मेरा ब्लाउज का कपड़ा है, इसे मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। 10 इंच पर सिलाई का निशान लगा लूँगी और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। 15 इंच का ब्लाउज तैयार करना है तो 16 इंच पर 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है। दोनों निशानों को मिला लेना है। अब हमें गले की गोलाई के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाना है और गले की लंबाई 10.5 इंच पर, कि मेरी गले की लंबाई है। आपको जितना रखना है उतना आपको निशान लगा लेना है और इधर भी 2.5 इंच पर निशान लगा के दोनों निशानों को मिला लेना है। और निशान मिलाने के बाद गले की गोलाई का शेप देना है। शोल्डर पट्टी के लिए 3 इंच पर निशान लगाना है और आर्म होल के लिए 6 इंच पर निशान लगा, उधर भी 6 इंच पर निशान लगा लेना है और दोनों निशान को मिला लेना है। और 1 इंच की गोलाई देने के लिए निशान लगाना है और उसी गोलाई का शेप देना है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे और ये हमारा बैक पार्ट कट कर तैयार है। अब हम साइड पट्टी शोल्डर के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे और लंबाई 13 इंच कर लेंगे और चौड़ाई 10 इंच का, ऊपर तरफ से भी 10 इंच पर निशान लगा लेंगे और दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब हम गले के लिए 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे, आर्म होल के लिए 6 इंच पर निशान लगा लेंगे और उसे आर्म होल की गोलाई देने के लिए पर निशान लगाएंगे और उसे गोलाई का शेप देंगे। नीचे के साइड से 6 इंच पर निशान लगाएंगे और बीच से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन तीनों निशानों को मिला लेना है चोली का शेप देते हुए। अब हम इसको कट कर लेंगे। अरे, हमारा साइड पट्टी कट कर तैयार है। साइड पट्टी कट करने के बाद जो बचा हुआ कपड़ा है उसे चोली का फर्मा 6 इंच का चौड़ाई लेना है। ऊपर की साइड भी 3 इंच पर निशान लगा लेना है और दोनों निशानों को मिला लेना है। ऊपर की साइड से 1 इंच पर निशान लगा लेना है और नीचे की साइड में भी 1 इंच पर निशान लगा लेना है। उसके बाद नीचे की साइड से चोली का शेप देते हुए और ऊपर की साइड को भी चोली का शेप दे देना है। अब उसी फर्मे को एक पेपर पर रखकर अच्छी तरह से निशान लगाकर उसे ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद उसे अच्छी तरह से निशान को कट कर लेना है। अब यह हमारा फर्मा तैयार है। अब उसे कपड़े में काटने के लिए 1 इंच नीचे की साइड बढ़ाना है, 1.5 इंच इस बगल और 1 इंच इस साइड से। इन तीनों निशानों को मिला लेना है। 1/2 इंच ऊपर की साइड से बढ़ाना है, 1/2 इंच सामने की साइड से बढ़ाना है और उसे भी अच्छी तरह से गोलाई का शेप देते हुए मिला लेना है। अभी हमारा चोली कट कर लेना है और यह हमारा चोली कट तैयार है। अब हम क्रॉस पट्टी कट करेंगे। तो मैं इसे सिंगल प्रत में कट कर रही हूँ और लंबाई 11.5 इंच और पीछे की तरफ से 3 इंच और सामने की साइड से 4.5 इंच पर निशान लगा के उसे क्रॉस पट्टी कट कर लेना है। और ये मेरा कपड़ा छोटा था तो मैं इसे जोड़ लूँगी। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे।
आस्तीन कट करने के लिए कपड़े को फोल्ड फोल्ड करना है। और मेरी आस्तीन की लंबाई 5 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा 6 इंच पर निशान लगा लूँगी। नीचे की साइड से 3.5 इंच पर निशान लगा के इसको कट कर लेना है। और आस्तीन की लंबाई हमें 9 इंच लेनी है। अभी इसमें और जोड़ना पड़ेगा। अब हम इसमें कपड़ा जोड़ने के लिए कपड़ा कट कर लेंगे, इसे हम सिलाई करते समय जोड़ लेंगे। की लंबाई 10.5 इंच। अब हम सिलाई करेंगे। चोली को हम तैयार कर लेंगे, डबल फोल्ड कर लेंगे। अब उसमें 2 इंच पर नीचे की साइड से निशान लगा लेंगे और उसे 3 इंच पर लंबाई में निशान, दोनों निशान को तिरछा मिला के सिलाई कर लेंगे। उसे डबल चला लेंगे और उसे एक बार और फोल्ड करके चला लेंगे। अब हम दूसरी चोली को भी ऐसी ही फोल्ड करके उसको भी सिलाई कर लेंगे, वैसी सेम निशान लगाकर। अब हम क्रॉस पट्टी को जोड़ लेंगे जो छोटा था उसे। अब हम उसको जोड़ाई कर लेंगे उसकी। अब हम उसे एक दूसरे के ऊपर रख करके एक सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद एक ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब हम उसे उलट करके नीचे के साइड से डबल फोल्ड करके उसकी सिलाई कर लेंगे। ये हमारा कपड़ा छोटा है ना, इसलिए इसे हम फोल्ड कर देंगे। इसी तरह हम दूसरे क्रॉस पट्टी को भी नीचे फोल्ड कर कर सिलाई कर लेंगे। अब हम साइड पट्टी में चोली को फिट कर लेंगे, पहले सीधे करके। अब उसे एक दूसरे के ऊपर रख कर बिना खींचे धीरे धीरे सिलाई कर लेना है। चोली को खींचना नहीं है ना, हमारा चोली बिगड़ सकता है। एक सिलाई के बाद ऊपर से एक सिलाई और लगा लेना है। अब हम क्रॉस पट्टी को जोड़ेंगे। इसके लिए हमें क्रॉस पट्टी के ऊपर रखकर उसकी सीधी सीधी सिलाई करना है। उसमें हमें डबल लाइन सिलाई कर लेनी है। अब हम बटन पट्टी तैयार करेंगे। बटन पट्टी के लिए 3 इंच का एक चौड़ाई वाला एक कपड़ा लेंगे और उसे हम सीधा सीधा सिल लेंगे और नीचे को फोल्ड करके उसके सिलाई कर लेंगे। अब उसे पलट करके उसे एक फोल्ड करके उसे एक फोल्ड और कर लेना है और उसे ऊपर से सिलाई कर लेना है। एक सिलाई करने के बाद एक सिलाई और चला लेना है, उससे बगल से बचे हुए कपड़े को कट करके निकाल लेना है। ये हमारा बटन वाला भाग था और ये हमारा काज वाला भाग तैयार कर लेंगे। इस भाग चोली को भी वैसे ही जोड़ लेना है और एक लाइन ऊपर से चला लेना है। इस बार से भी क्रॉस पट्टी को वैसे ही जोड़ लेना है। काज पट्टी के लिए 2 इंच का एक कपड़ा लेना है और उसे नीचे से फोल्ड करके सिलाई करनी है और उसे पूरा ऊपर तक सिलते हुए आना है। इसे एक फोल्ड करके और सी लेना है, फिर उसे हम पूरा अंदर की तरफ मोड़ करके ऊपर से
सिलाई कर लेना है। एक सिलाई चला लेने के बाद एक सिलाई सामने की साइड से और चला लेंगे। अब हम आस्तीन की सिलाई करेंगे। हमारा आस्तीन छोटा था तो इसमें हम साइड से कपड़े को और सिल लेंगे। एक लाइन चलाने के बाद ऊपर से एक लाइन और चला लेना है। दोनों साइड को ऐसे ही सिलाई कर लेनी है। हमारा कपड़ा छोटा था इसलिए हम एक इंच का नहीं मोड़ सकते, इसलिए हम पतला सा डबल फोल्ड करके इसकी सिलाई कर लेंगे। उसी तरह हम दूसरे आस्तीन को भी सिलाई कर लेंगे सेम। अब हम आस्तीन की सामने की साइड को गोलाई कट करने के लिए आस्तीन को सीधा सीधे में दोनों को एक दूसरे को चिपका कर गोलाई करने के लिए हाफ इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हम उसे गोलाई का शेप देते हुए निशान लगा लेंगे और उसी निशान पर ये हमारा सामने लगेगा। अब हम पीठ के पल्ले को तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम कपड़े इस साइड से एक इंच पर फोल्ड करेंगे और उसे हम तिरछी सिलते हुए हाफ इंच तक ले जाएंगे और उसे हाफ इंच से सिलाई कर लेंगे। फिर उस साइड पर भी हमें धीरे धीरे तिरछा करते हुए एक इंच तक ले जाना है। ऐसे सीने से हमारा पीठ जो है वो टक्स लगने पर सीधा रहता है। अब हम टक्स की सिलाई कर लेंगे। इसके लिए हमें नीचे से हाफ इंच चौड़ाई और 4 इंच की लंबाई। अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। वैसे ही दूसरे साइड को भी बराबर फोल्ड करके उसी सेम हाफ इंच नीचे और 4 इंच लंबाई निशान लगा के उसके भी सिलाई कर लेंगे। अब हम सिलाई का निशान लगा लेंगे। कमर का निशान 9 इंच पर लगा रही हूँ। लंबाई 15 इंच रखनी है मुझे तो मैं 15 इंच पर निशान लगा लूँगी। अब हम सामने के पल्ले से भी 15 इंच पर लंबाई का निशान लगा लेना है और 11 इंच सीने की चौड़ाई है तो मैं 11 इंच पर लूँगी। 9 इंच पर लगा रही हूँ। ये कांच पर साइड सा है। और बटन साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा 10 इंच पर लगा लूँगी क्योंकि मेरी कमर की लंबाई 37 इंच है और ऊपर की साइड से 12 इंच पर निशान लगा लूँगी। सीने की चौड़ाई मेरी 44 इंच है और इधर से भी लंबाई 15 इंच पर निशान लगा लूँगी। अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। दोनों निशानों को मिलाते हुए अच्छी तरह से सिलाई लगा लेना है और इधर से भी निशान को अच्छे से मिलाकर सिलाई कर लेना है। अब हम इसे आस्तीन फिट करेंगे।
अब हम इसे बीच से सिलाई करेंगे। बीच से सिलाई करते हुए हमें खींचना नहीं है, धीरे धीरे सिलाई करना है। रुक, अब इधर से भी अच्छे से मिलाते हुए सिलाई कर लेना है। उसे हम डबल सिलाई कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड की भी आस्तीन को फिट कर लेंगे, अच्छे से सिलाई कर लेंगे इसकी। अब हम दोनों पल्ले को बराबर रख के निशान से इसकी सीधी सीधी सिलाई कर लेनी है। अब हमारा आस्तीन 8 इंच, तो हम 8 इंच पर निशान लगा के उसे सीधे सिलाई कर लेना है। अब हमें इसे 3 लाइन सिलाई करनी है। ये हमारा सिलाई हो चुका है। दूसरे साइड को भी वैसे निशान को मिलाकर सिलाई कर लेने हैं। अब हम पाइपिंग लगाएंगे। इसके लिए 1.5 इंच का कपड़ा कट कर लेना है और उसे फोल्ड करके उसकी सिलाई करनी है। इसे हम आराम से ही सिलाई करेंगे। खींचना नहीं है। सिलाई करते करते हम आखिरी में भी फोल्ड करके इसे सीने में है। इसके आराम से कट कर लेना है बचे हुए कपड़े को, और गोलाई जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ छोटा सा कट का निशान लगा देंगे पूरे ब्लाउज में। अब हम उसे फोल्ड करके उसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे पूरे पाइपिंग पर। पूरी सिलाई हो जाने के बाद हम पलट करके फिर गोलाई के जहाँ जहाँ पड़ेगा वहाँ को पाइपिंग को कट कर लेना है, और ऊपर से फिर से एक लाइन और सिलाई कर लेंगे। हमारा पाइपिंग तैयार है।